पर लखनऊ से जहां पर यूपी के बिजली विभाग में जातिवाद का बोलबाला। जी हां, बड़ी खबर जातिवाद के बोलबाले से, क्योंकि चल रहा है ये खेल। चेयरमैन की बात करें तो शक्ति भवन में निरीक्षक वित्त सुधीर आर्या पर भी मेहरबानी। सुधीर आर्या का इस्तीफा देवराज ने वापस करा दिया। सुधीर आर्या को रिटायरमेंट के बाद देवराज बनाया था। देवराज की मनमानी से बिजली विभाग दरअसल में जा रहा था। यूपी के बिजली विभाग में जातिवाद का बोलबाला साफ तौर पर सामने आया। तो सुधीर आर्या को रिटायरमेंट के बाद देवराज ने ओएसडी बनाया। और बता दें कि देवराज की मनमानी से बिजली विभाग जो है वो किस तरीके से गर्त में जा रहा है। तो देवराज की मनमानी चरम पर सामने आ रही है और यूपी के बिजली विभाग में जातिवाद का बोलबाला साफ तौर पर नजर आया पिछले कुछ दिनों में जो सामने आए हैं जो तथ्य। फिलहाल इस बीच योगेश कुमार पहले शक्ति भवन में ऐसी के पद पर थे और शक्ति भवन में निदेशक वित्तराज सुधीर आर्या का इस्तीफा देवराज ने फिलहाल वापस कर दिया। देवराज ने इस्तीफा बनाया और देवराज की मनमानी से बिजली विभाग रसातल में जा रहा है लगातार। चारों डिस्कॉम में देवराज के चहेते अफसरों को फिलहाल प्राइम पोस्टिंग। तो सारा का सारा जो खेल है ये है पोस्टिंग का, या यूं कहें कि प्राइम पोस्टिंग का बड़ा खेल सामने आया है। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेन सिंह जी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेन जी, जो देवराज की मनमानी, चहेते अफसरों पर इतनी मेहरबानी। देखिए, उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग लगातार रसातल में जा रहा है, उसका भट्टा बैठ रहा है, बिजली के ऊपर बहुत कर्जा लदा है। लेकिन चेयरमैन एम देवराज जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं उसके आगे मंत्री से लेकर सरकार तक असहाय नजर आती है। देवराज ने अपने चहेते अफसरों को सारे डिस्काम में प्राइम पोस्टिंग दिला रखी है, या यूं कहा जाए तो पूरे शक्ति भवन में एक जाति के अफसरों का काफी बोलबाला है और जो देवराज के काफी करीबी अफसर हैं। अभी थोड़े दिन पहले मध्यांचल में डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं योगेश कुमार। ये देवराज के पहले एसी थे और स्मार्ट मीटर का काम देखते थे, उनको उन्होंने डायरेक्टर बनवा दिया। सुधीर आर्या ने इस्तीफा दे दिया था, शक्ति भवन में निदेशक वित्त थे, लेकिन देवराज ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया आर्या का, और बाद में उनको इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया और वो रिटायर हुए तब उनको उन्होंने अपना ओएसडी बना लिया। तो ये दर्शाता है कि एक जात विशेष के अफसरों पर देवराज मेहरबान है, बाकी के खिलाफ वो लगातार सख्त कार्रवाइयां करते हैं, लोगों की बर्खास्तगी करते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि यूपी का बिजली विभाग डूब रहा है, उसका भट्टा बैठ चुका है, वो कर्ज में डूबा है। उन्होंने दहशत का जो माहौल पैदा किया है भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर, उससे उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। देवराज ने चाहे जो चारों डिस्काम में जो एमडी हैं उन पर वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं, जो उनके अपने लोग होते हैं उनको वो काम को अन्यथा दूसरे लोगों को हटा दिया जाता है। आज की तारीख में भवानी सिंह खंगारौत से लेके अरविंद मलप्पा भंगारी, ये सब देवराज के खास माने जाते हैं, इस वजह से वो उस पद पर है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में जहाँ पर ऊर्जा मंत्री बैठा हो, सरकार बैठी हो, वहाँ पर एक अफसर इस तरह से मनमानी करे, अपने पदों पावर का दुरुपयोग कर रहा हो और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अफसरशाही किस तरीके से बिजली विभाग में हावी है ये तस्वीर सामने आई है। बिजली विभाग में जातिवाद का खेल चल रहा है। चेयरमैन एम देवराज की जो मेहरबानी है, ये यूं कहें कि उनकी मनमानी किस तरीके से चरम पर सामने आई।